पर वही पता है मैं बात है। इस वाली चीज पे भी ना मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जैसे जो लोग ऐसे टॉक्सिसिटी, खैर ये अपने अनफिल्टर्ड पे भी हो जाएगा, पर वो डीसी वर्सेस मार्वल की है, पर जैसे अगर आप किसी एक क्रिएटर को टॉक्सिसिटी दे रहे हो ना, तो एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि सामने वाला इंसान भी एक ही है, एक बंदा है वो, जैसे आप हो ना वैसे वो है। अब आप क्या है, अगर उस आदमी को खड़े करके और 100 लोग गालियां देना शुरू कर दे, तो इमेजिन करो उसके साथ क्या होगा। तो इसमें इसमें ये मैंने होता एक है, एक सारी यूनिक, बातें नहीं लगती हाँ हैं लेकिन एकाक अरे लग इसमें जाती है सुनो बात। ना, इसमें मैंने ना कुछ चीजें नोटिस किया, तुम लोगों के साथ हुआ कि पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही बंदा रहेगा, ठीक है, वो दो तीन आईडी से आएगा, ठीक है, और तुमको टारगेट इसलिए करेगा क्योंकि तुमको उसका उसको तुमको अटेंशन चाहिए कि तुम उसको रिप्लाई दो, ठीक है, तो जब तक रिप्लाई नहीं दे तब तक वो तुमको टारगेट करता रहेगा, नहीं, ऐसे होता है ऐसा ना कि ऐसा मैंने दूसरों को नोटिस किया रिप्लाई है। में करता है कि हाँ भाई देख इसने हाँ ये छोड़ दिया, इसने ये छोड़ दिया, भाई तू अपना काम कर ले कुछ हाँ और। वही अरे मैंने तो ये बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं जो, मतलब मेरे को नेगेटिव कमेंट्स जो आया है एग्जैक्टली वही का वही कमेंट पीजे के वीडियो पे भी है, सेम उसी बंदे का। तो नाइस आई रियलाइज कि नाइस। नहीं, इट्स नॉट दैट बैड। एक बच्चा था, उसने कुछ तो मेरे को डीएम किया था, बहुत गंदा डीएम था, बहुत मतलब इट वाज वे आउट ऑफ द लाइन, मतलब तुम लोग को मैं इधर पॉडकास्ट पे बोल भी नहीं सकता, इट वाज समथिंग रिगार्डिंग माय पेरेंट्स। अरे इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन व्हेन सुशांत अटेम्प्टेड सुसाइड, तो इट ओ वाज समथिंग ओके डैम बैड, ठीक है, मंदाजा आ दैट गया मतलब वो। मैं एकदम मैं किलस गया, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैंने उसको रिप्लाई किया, मैं बोला ये क्या लिखा है बेटा, आशीष भैया बिग फैन, मैं मेरे को चाहिए था आप रिप्लाई करो। मैंने मैंने पता है क्या किया, मैंने साइबर सेल में गया, मैंने उस बच्चे का नंबर निकलवाया, मैंने उस बच्चे के पेरेंट्स को कॉल किया, मैं बोला आपका बच्चा ऐसी चीजें कर रहा है, मुझे कुछ कंप्लेन नहीं करना, मेरे को आपके बच्चे का करियर भी कुछ नहीं करना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आपका बच्चा ऐसी बातें कर रहा है, भगवान ना करे आपको कभी कोई तकलीफ आ गई आप संभाल लो, उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ आ गई संभाल लो, मैंने उसके पेरेंट्स से बाप बात की है मेरे फोन, बताओ। और उसके वो रोना चालू हो गया, बच्चा था, थोड़ा बच्चे होते एजी कूल बनने के लिए लिख देते इंस्टाग्राम पे, एंड व्हेन दे लुक बैक 5 साल बाद जब देखेंगे नहीं सोचेंगे ये अरे तो भाई मैंने है, क्या अरे लिखा था। भाई ऐसा ऐसा कौन सा अपना इंसान है, ठीक है, जो खुद को गाली नहीं देता, अपने जो टीनेजर था वो अपने टीनेज वाले फेस को पुरानी खुद गाली नहीं देता। मुझको अपनी पुरानी वीडियोस डिलीट करने का मन करती है। क्या अगर चुतिया आदमी है। तुम वीडियोस की बात करो, मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उस टाइम पे हाँ लगता था भाई ये करेगा मैं कूल लगेगा, ठीक है। वो लगता ही है, तभी गरम खून रहता है ना, तो ऐसा लगता है तभी रिबेल फेज में रहते हो तुम, अपने माँ बाप के अगेंस्ट, दुनिया के अगेंस्ट, एकदम रॉक स्टार हूँ मैं, मेरा मैं जो कैच मानता हूँ वो सच है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, वही 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 वाला रहता है। फिर बाद में अपन को गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी मूवीज देख के समझ में आता है कि सही फैमिली फैमिली होती है। असली बाप हराम खोर हो सकता है, लेकिन जिसने अडॉप्ट किया है वो बेस्ट होगा।